बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन का भरता बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस बैंगन भरता की रेसिपी को सीखना चाहते हैं? तो चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, nishamadhurima.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ बैंगन भरता की एकदम आसान सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बैंगन भरता तो सभी का बहुत फेवरेट होता है, लेकिन बैंगन भरता बनाने के लिए हमें बैंगन को भूनने की आवश्यकता होती है, उसका छिलका उतारना, ये सारी बातें बहुत सारे लोगों को बहुत झंझट वाली लगती है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बैंगन भूनने से लेकर उसे छीलने से लेकर बैंगन भरता बनाने के सारे सिंपल टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको एकदम आसान तरीके से बैंगन को भूनना और उसका छिलका उतारना सिखाएंगे। तो चलिए स्वाद के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी बैंगन भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमने एक बैंगन ले लिया है। ये 400 ग्राम का बैंगन है। हमने इसे लेते समय ही बहुत सावधानी से लेना है, जो कि थोड़ा सॉफ्ट हो और इसमें कोई छेद वगैरह नहीं हो, जिससे कि इसके अंदर इल्ली वगैरह हो सकती है। इस तरह से सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही बैंगन हमें लेना है। बैंगन के ऊपर हम चाकू से इस तरह से 3 से 4 कट लगा देंगे। कट लगाना बहुत ज़रूरी है रोस्ट करने से पहले। इसके ऊपर हम ब्रश से ही थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। इसे हम ऑयल इसलिए लगाते हैं ताकि ये बैंगन बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है और इसकी स्किन निकलने में भी बहुत इजी होता है। हमने इस पे ऑयल लगा दिया है अच्छे से। अभी हम इसे रोस्ट करेंगे। हमने एक जाली ली है, इसे गैस पर रख दिया है। गैस की फ्लेम को हाई करेंगे। थोड़ी देर हम हाई फ्लेम पर ही इसे रोस्ट करेंगे। हमें इसे पलट पलट कर रोस्ट करना है। देखिए इस तरह से अब ये बैंगन रोस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। इसे हम पलट पलट कर रोस्ट करेंगे। अब ये बैंगन काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। हमने इसमें कट लगाया है, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से रोस्ट हो रहा है। अगर हम इसमें कट नहीं लगाएंगे तो ये बैंगन फूट भी सकता है, जो कि थोड़ा डेंजरस हो सकता है। इसीलिए इसे कट लगाकर ही रोस्ट कीजिए। स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट हमने इसे हाई फ्लेम पर रोस्ट किया है। बाद में गैस हमने मीडियम कर दिया है और इसे टोटल हमने 10 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। बैंगन अच्छे से रोस्ट हो चुका है, बहुत सॉफ्ट हो चुका है ये। इसे अभी हम एक बाउल में निकाल लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हमें पानी डाल देना है। सादा पानी डालना है, नल का पानी भी आप डाल सकते हैं, ठंडा पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। पानी डालने से इसका स्किन बहुत जल्दी निकल जाता है। हमने इसका पानी फेंक दिया है और इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए आप इस तरह से नाइफ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं इसका स्किन, लेकिन मैं हाथ से ही निकाल रही हूँ। मुझे हाथ से ही बहुत कम्फर्टेबल लगता है, बहुत फटाफट स्किन निकल जाता है पानी डालने की वजह से। इसी तरह से अभी हम इसकी सारी स्किन रिमूव कर लेंगे। अभी हमने बैंगन की सारी स्किन रिमूव कर ली है, इसकी डंठल हटा देंगे। और अभी हम बैंगन को एक बार फिर से चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह से कट लगाएंगे और अंदर चेक करते जाएंगे, कोई इल्ली वगैरह नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बैंगन ऊपर से साफ दिखता है लेकिन अंदर कोई कीड़ा या इल्ली वगैरह रह जाती है। इस तरह से हमने इसे साफ कर लिया है। अभी हम नाइफ से ही इसे कट करके इस तरह से मैश भी कर देंगे। देखिए अभी हमारा बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन एकदम रेडी है। इसे बनाने के लिए हमने एक नॉनस्टिक पैन गैस पर रख दिया है। इसके ऊपर हम 3 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। बैंगन भरता में थोड़ा तेल ज़्यादा रहता है तो ही वो बहुत अच्छा लगता है। आप अगर कम ऑयल खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। इसमें हमने 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छे से चटक चुका है। इसमें हम 2 बड़ी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। आप चाहे तो बारीक कटी हरी मिर्च या हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसमें हम 1 बड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज भी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। प्याज को हम मीडियम आंच पर 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। इसमें अभी हम अदरक लहसुन का 1 छोटा चम्मच पेस्ट डालेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया भी पीस लिया है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा हरा दिख रहा है। आप चाहे तो अदरक लहसुन को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अभी इसे भी हम 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। इसमें अभी हम 1 बड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। अगर आपको थोड़ा और खट्टा भरता अच्छा लगता हो तो आप इसमें 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। इसमें अभी हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। इसे अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इसे ढक देंगे और ढककर 2 से 3 मिनट पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, ढक्कन हटा देंगे। देखिए अभी टोमेटो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अभी हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। होममेड गरम मसाला हमने यूज़ किया है। आपको अगर ये गरम मसाला का लिंक चाहिए तो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। इसमें अभी हम 2 बारीक कटी हुई हरी प्याज डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे।
इसे अच्छे से मिला देंगे। हरी प्याज डालने से ये भरता बहुत अच्छा लगता है। इसमें अभी हम आधा कप फ्रोजन मटर डाल रहे हैं। ये फ्रोजन मटर हमने घर पर ही बनाए हैं। इसकी रेसिपी भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आप चाहे तो फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं। हमने इसमें फ्रोजन मटर डाला है। अभी हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पका लेंगे। अगर आप फ्रेश मटर डाल रहे हो तो आप 3 से 4 मिनट इसे पका लीजिए। इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसे 2 मिनट पका लेंगे। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, ढक्कन हटा देंगे। देखिए अभी हमारा जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से पक चुकी है। इसमें से थोड़ा ऑयल छूटने लगा है। इसमें अभी हम कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। 4 से 5 कड़ी पत्ता को हमने इस तरह से धोकर तोड़कर रख दिया है, इसे डाल देंगे। इसे आप स्टार्टिंग में ही डाल सकते हैं तड़के में। अभी हमारी ये ग्रेवी परफेक्ट रेडी है। इसमें हमें रोस्ट किया हुआ बैंगन ऐड कर देंगे। बहुत अच्छे से बैंगन रोस्ट हो गया है, एकदम सॉफ्ट लग रहा है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अभी हम कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पर पका लेंगे। बीच में एक दो बार इसे अच्छे से चला देना है। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, हम ढक्कन हटा देंगे। देखिए अभी भरता साइड से ऑयल छोड़ने लगा है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैंगन का भरता बनकर रेडी है। इसे हमने एक बाउल में सर्व किया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन अनियन और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। लीजिए, बनके तैयार है गर्मा गर्म एकदम स्वादिष्ट बैंगन का भरता। इसे बनाने के लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है और बहुत आसान तरीके से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। आप इस बैंगन भरता की रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिए और आपका बैंगन भरता कैसे बना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह से स्वादिष्ट और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। आप हमारी अभी तक की सारी रेसिपीज को हमारी वेबसाइट nishamadhurima.com पर विजिट करके भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।